Hi munchkins, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely amazing. आज थोड़ा सा unusual सा spot में खड़ी हुई हूँ. I'm not at my house, not in my studio. I am actually in Paltan Bazaar, Dehradun. अगर आप कभी Dehradun आए हो, I'm sure you are aware that Paltan Bazaar is literally one of the oldest markets in Dehradun. And अभी सुबह के 8 बज रहे हैं sort of. And हम आ गए हैं यहाँ पे Dehradun के street food, yummy yummy खाना खाने के लिए. आज पूरा दिन we'll be exploring different famous street foods in Dehradun and I will be rating it along with my team members right here. काफी सारी जगह जो हमने shortlist की हैं वो ऐसी जगह हैं जहाँ से मैंने कभी नहीं खाया है. So this video will be very helpful for you if you've been to Dehradun before, if you've not been to Dehradun before and if you want to try out street food and कुछ चटपटा मजेदार सा कुछ खाने का मन कर रहा है, this is the right video for you. So currently जैसे मैंने कहा, I am right inside Paltan Bazaar and उस side है हमारा कोतवाली. एंड कोतवाली के ऑपोजिट है यहाँ पे अ वेरी फेमस सेठीज छोले कोतलंबे. सो पल्टन बाजार में सेठीज छोले कोतलंबे इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेरी ओल्ड शॉप. यहाँ पे छोले कोतलंबे मिलते हैं जो मैंने कभी नहीं खाया है. इनफैक्ट प्रशांत वाज द वन जिसने मुझे सजेस्ट किया दैट आई शुड कम हियर. टिपिकली जो पहले का सीन चलता था वो इज दैट सुबह सुबह इतनी ज्यादा भीड़ होती थी दैट एवरीथिंग यूज टू गो आउट ऑफ स्टॉक. तो बस सुबह 9-10 बजे दुकान बंद कर देते थे एंड लिटरली देन द नेक्स्ट डे सुबह खुलता था. बट अभी दे शिफ्टेड द शॉप एंड अभी शॉप थोड़ा सा आगे के साइड शिफ्ट हो गया है. सो राइट नाउ दे ओपन ओनली टिल 4. इसलिए हम सुबह सुबह आ गए थे ये सोच के कि शायद 9 बजे बंद हो जाता है. बट नाउ दैट दे हैव एक्सपेंडेड द शॉप एंड एवरीथिंग इज लाइक थोड़ा सा और टाइम मिल गया है हमें. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. सो मेक श्योर दैट यू कम बिफोर 4 इफ यू वांट टू ट्राई दिस. सो लेट्स गो ईट आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. सो गर्मा गर्म एवरीथिंग इज गेटिंग प्रिपेयर्ड हियर. ये आपकी शॉप पहले वहाँ लगती थी राइट? जी वहाँ पर हमारे फादर कार्ड लगाते थे. अच्छा आपके फादर लगाते थे? ओके सो अब आपने शिफ्ट कर दिया. कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे शिफ्ट किए? यहाँ पर हमें अप्रोक्स 10-12 इयर्स हो गए. 10-12 ईयर्स. सो मैंने सुना है कि पहले 9 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाता था. पहले ओनली ये ब्रेकफास्ट में चलता था. हाँ. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और डिमांड बढ़ती गई तो हमने इसको लंच तक में खींच दिया. चलो अब लंच टाइम तक सॉर्टेड है. तो ऐसा नहीं है कि जल्दी उठ के आना पड़ेगा. अब यू कैन हैव इनफ टाइम टू ईट दिस. तो एक प्लेट कर दो. यहाँ पे छोले कतलंबे मिलते हैं एंड बन टिक्की भी. बट बन टिक्की इज मोस्टली लाइक पोस्ट लंच एंड छोले कतलंबे के दो प्लेट का मिलता है हाफ एंड फुल. हाफ इज लाइक 40 रुपीज एंड फुल इज 70 रुपीज. सो अभी हमने एक प्लेट मंगवाया है बिकॉज इसके बाद आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्पॉट्स वेयर आई नीड टू ट्राई अ लॉट ऑफ फूड एंड मेरा पेट इतना सा है. सो थोड़ा करके सब कुछ ट्राई करेंगे एंड रेट करेंगे. Okay, so here we have chole, pyaz, achar, and of course this is katlambe, which I've never had before. This sort of look like chole bhature, but this not chole bhature. Okay, so let's take the first bite. Ooh, it's hot. This is good. This is actually very good. It is a bit oily. I mean, if you are like thoda sa health conscious, wo to bhul hi jao. But it actually tastes very good. Chole ka taste bahut hi acha hai. And this is also very interesting. Alright, breakfast तो हो गया and it was actually very delicious. So बात करते हुए पता चला owner से that जो छोले है ना उसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन जो घर के you know छोलों में डलता है वो वैसा नहीं है and it had like a very different taste to it and definitely worth trying. I'll be very honest, it is slightly on the heavier side क्योंकि काफ़ी oil था. It is definitely not an everyday breakfast but definitely worth trying once and out of 10 I will give it a 7 because थोड़ा सा ज़्यादा oily था मेरे लिए. अगर थोड़ा सा कम oily होता ना तो डेफिनेटली 10/10 होता. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. All right, so the next stop again is a very famous place in Dehradun. If your parents have been to Dehradun, I'm sure they know it because it is actually a very, very, very old shop and it is the Kumar Sweet Shop. Very famous. So यहाँ पे आपको different मिठाइयाँ मिल जाएंगी. यहाँ का कुल्फी फालूदा is amazing. इनकी मिठाइयाँ amazing हैं. जब मैं छोटी थी ना स्कूल टाइम में मम्मी पापा मैं भान दीदी वगैरह यहाँ पे ना मैंगो सीजन के टाइम में जो अभी चल रहा है मैंगो शेक पीने आते थे हमेशा एंड इट्स जस्ट अमेजिंग. बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पर. सो इट इज राइट बिफोर पल्टन बाजार लाइक
एट द मेन मार्केट. इट्स प्रिटी, मतलब सेम रेडियस में ही है. बट इफ यू आर नियर पल्टन बाजार, डेफिनेटली मेक श्योर टू यू नो स्टॉप एट कुमार स्वीट शॉप. एंड आज का आई थिंक विल बी हैविंग कुल्फी फालूदा, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है. एंड आई हैव टेस्टेड इट, बट आई स्टिल वॉन्ट टू शो यू बिकॉज इट्स, लेट्स गो. यहाँ के बूंदी के लड्डू भी, इट्स अमेजिंग, मेरे बचपन की फेवरेट. ऑल राइट, बिकॉज हम लोग चार जने हैं, मैंने दो कुल्फी फालूदा का प्लेट ऑर्डर किया है. इट्स हियर एंड इट लुक्स वेरी वेरी डिलीशियस. सो पर प्लेट इज अराउंड लाइक 114-115 सॉर्ट ऑफ. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है. सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट बाइट. थोड़ा सा फालूदा, यम्मी. फर्स्ट बाइट इज फॉर यू गाइस. या स्वीट भी एकदम सही है, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं है, फीका सा भी नहीं है. लाइक द एप स्वीटनेस दैट यू कैन हैव. आई थिंक आई एम गोना एंजॉय दिस. ऑनेस्टली आउट ऑफ 10 आई विल गिव दिस अ 9 मे बी. हाँ, अ 9. अ 9 इज अ गुड टू. डेफिनेटली ट्राई दिस. यहाँ पे बहुत ऑप्शन है. हमने लौकी के लड्डू भी लिए हैं बिकॉज आई लव लौकी के लड्डू. लौकी के लड्डू घंटा घर. सो जस्ट मेक श्योर अगर पल्टन बाजार आ रहे हो या घंटा घर साइड आ रहे हो, दीज आर लाइक लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस प्लेसेस. इफ नॉट, जस्ट ग्रैब एन ऑटो एंड बी हियर. सो यहाँ की फेमस चीजें हैं यहाँ का वेज बर्गर, बिकॉज दे एक्चुअली मेक द बर्गर इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो दे एक्चुअली डीप फ्राई द बर्गर पार्ट एंड इट टेस्ट अमेजिंग. दे ऑल्सो हैव कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम विच आई वुड पर्सनली रिकमेंड. एंड ऑल्सो देयर ब्रेड रोल इज वेरी वेरी फेमस. सो मैं बहुत सालों से आ रही हूँ, इनफैक्ट काफी टाइम हो गया मैं आई नहीं हूँ, बट बचपन की बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर. सो इफ यू आर कमिंग टू देहरादून, डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस विच आई वुड पर्सनली हाईली रिकमेंड. ये तीनों चीजें मैंने ऑर्डर कर ली हैं, अब आता है, अब देखते हैं इतने साल के बाद मैं खा रही हूँ. इज द टेस्ट प्रिटी सेम? विल सी दैट. कट. ऑलराइट, सो माय कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम इज हियर. गर्मी है तो आई एम सो so happy to see this because it's chilled and it looks good. It tastes exactly the same jo main pehle peeti thi. The taste has not changed. A solid 7/10 for this. And it also has ice cream. Aap ice cream hatwa bhi sakte ho, galwa bhi sakte ho. It's totally your choice. So that's that. Here's my burger. Right here. एंड जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये थोड़ा सा डीप फ्राइड है. सो इट्स वेरी क्रंची क्रंची. इट्स नॉट लाइक योर टिपिकल बर्गर्स. सो लेट्स हैव अ बाइट ऑफ दिस. मेरे मुंह में तो आएगा भी नहीं है. ओके, 1 2. इट टेस्ट द सेम. इट्स गुड. इट्स एक्चुअली गुड. 8.5/10. Again, if you're conscious ki khana oily nahi hona chahiye, then you might want to skip this because the bun has a lot of oil, but it actually tastes really good. And bread roll, right here. Bread roll. Oops. Last spot holds a very special place in my heart because literally जब से मैं 7th-8th class में थी, मैं तब से यहाँ से मोमोज खा रही हूँ. And in fact, अगर आपने कभी भी मेरे पुराने YouTube videos देखे हैं जहाँ पे I did मोमो challenge with my friends in the past, it is from this place itself. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हिमाद्री ये कहाँ के हैं, because यहाँ की चटनी is so spicy and so good. So ये है बाजे and it is in गड़ी कैंड. Just simply put Seven Oaks School and just ask around where is बाजे and you will find this place. I would highly recommend you guys to try out their veg momos. I'm not sure if they do have non-veg or no, because jitna I remember they do not. They only have veg momos and add soya and a lot of stuff. And is the secret of this entire momos ka jo bhi hai, it should be the chutney, because it's mere muh mein paani aa raha hai piche se.
प्रशांत स्निफ किए जा रहा है मेरे मोमोज को एंड आई एम ऑलरेडी ड्रूलिंग आई एम सेलिवेटिंग बिकॉज आई लव दिस प्लेस सो मच अगेन अ प्लेस आई वुड हाईली रिकमेंड एंड बहुत सालों से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं दैट हिमाद्री कौन सी जगह है सो इट इज़ दिस प्लेस राइट हियर हाईली रिकमेंड यू गाइज टू चेक इट आउट एंड इट्स जस्ट अमेजिंग So this is the secret tasty chutney, mirchi dal. A bite for you and a bite for me. Tikka. But yummy. Amazing. Bachpan ki yaadein taaza ho jaati hain. Solid 10/10 and if you love spicy, this place is for you. I'm telling you, you have to come. It's amazing. Love, love, love it. And that's it for today's video, you guys. मेरे मुंह में आग लग चुकी है. मुझे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. But I hope you guys enjoyed. Let me know if you want a part 2 because I do have a list of a lot of different places. जो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू गाइज इफ़ यू आर कमिंग टू देहरादून और इफ़ यू आर फ्रॉम देहरादून एंड इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड यू नो अ फ्यू प्लेसेज ये उसके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आई माइट एज वेल यू नो डिस्कवर अ फ्यू प्लेसेज सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर आप चाहते हो मैं पार्ट 2 करूँ एंड इफ़ यू एंजॉयड यू नो एग्जैक्टली वॉट टू डू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो बाय